नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईआईटी जेम 2010 में जो मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा आज का जो टास्क है वो क्या है, आईआईटी जेम 2010 मॉडर्न फिजिक्स, आज हम इस टास्क को पूरा करेंगे। देखिए क्या है, इस जो क्वेश्चन है उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो तो होगी, मैं क्वेश्चन को रीड करूँगा उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर ए गिवन वेव, और जो है मेरे पास जो पीडीएफ है वो है फिजिक्स बाय फिजिक्स। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए वेव इज इन ए मीडियम द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा एंड द वेव वेक्टर के, तो वेव के बारे में कुछ कहा गया है कि जो हमारा ओमेगा है वो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी और जो हमारा के है वो है वेव वेक्टर। आर रिलेटेड बाय ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, वेयर ओमेगा नॉट एंड सी कॉन्स्टेंट, और ओमेगा नॉट और सी हमारा कोई कॉन्स्टेंट है। उसके बाद क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, आपको जो हमारा जो पूछ रहा है कि ग्रुप ऑफ जो वेलोसिटी नहीं जो फेज वेलोसिटी है और जो ग्रुप वेलोसिटी है उसका जो प्रोडक्ट हैगा वो कितना होगा। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो फेज वेलोसिटी और जो ग्रुप वेलोसिटी है वो देखिए क्या है कि जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी होती है हम उसको डिनोट करते हैं वीजी से, जो हमारी फेज वेलोसिटी है वो उसको हम वीपी से डिनोट करते हैं। ये होती है हमारी ओमेगा अपॉन के, जहाँ पर के वे वेक्टर है, और जो हमारी वीजी होती है ये होती है डी ओमेगा बाई डी के। ये हो गया, अब हमें वीपी निकालना है। इस यहाँ पर दिया हुआ है ओमेगा स्क्वायर, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले ओमेगा में। अब देखिए अभी ये तो फाइंड आउट करना है वी जी और वी का पी का प्रोडक्ट क्या होगा। ओमेगा हम यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा नोड का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू रखिए यहाँ पर, ओमेगा नोड का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन के। अब यहाँ से हम ओमेगा जो के स्क्वायर है वो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, नीचे से ऊपर यहाँ से के स्क्वायर बाहर आएगा तो के, और नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा वहाँ मेरे पास ओमेगा नोड का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास फेज वेलोसिटी। अब हमें फाइंड करनी है ग्रुप वेलोसिटी, ये होती है डी ओमेगा बाई डी के, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास डी के ओमेगा नोड का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वन बाई ये इसकी पावर आप इस तरह लिख सकते हो वन बाई टू, तो वन बाई टू रूट ओमेगा नोड का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। ये आ गया, अब ये होगा ओमेगा नोड का जीरो और ये होगा सी स्क्वायर के स्क्वायर का टू सी स्क्वायर के, यहाँ से टू से टू कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा सी स्क्वायर के ओमेगा नोड का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। ये आ गया आपके पास जो हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी है। अब देखिए हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। अब हमारा काम हो गया सर, अब आपको जो दिया हुआ है वो देखिए क्या पूछ रहा हूँ, हमें ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा नोड का स्क्वायर, यहाँ से हम सी स्क्वायर जो हमारा के स्क्वायर है उसको भी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते, और जो हमारा के है के स्क्वायर उसको हम डिवाइड करके बाहर निकाल लेते, सी स्क्वायर के स्क्वायर और जो हमारा के स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ गया तो के मल्टीप्लाई सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ओमेगा नोड का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ से कैसे कैंसिल हो जाएगा और
ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाए तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी वी जी और वी पी की सी स्क्वायर। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वो कहा आ रहा है 0.25 सी स्क्वायर, ऑप्शन बी है 0.4 सी स्क्वायर, ऑप्शन सी है 0.5 सी स्क्वायर, ऑप्शन डी है सी स्क्वायर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सी स्क्वायर होगा। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, और जो ये सोल्यूशन है वो आपको मैंने अभी नेट पे चेक किया है कहीं पे नहीं है कि मॉडर्न फिजिक्स 2011 आईआईटी जेएम का कोई पेपर सॉल्यूशन मिल जाए तो। लेकिन अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें कह रखा है थ्री आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, हमें थ्री नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल दिए हैं ईच ऑफ स्पिन जिनकी सबकी स्पिन है स्पिन 1/2। आगे कह रहा है एंड द मास, और जो मास है उन तीन पार्टिकल दिए हैं उनका एम है। आगे कह रहा है आर मूविंग इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, और ये जो है तीन वाट जो तीन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है वो वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है उसमें मूविंग कर मूव कर रहे हैं, और जो हमें पोटेंशियल दिया हुआ है 1D का वो है 0 है 4 0 और इनफाइनाइट है 0 नहीं नहीं एक्स लेस देन 0 या एंड एक्स ग्रेटर देन ए। अब दिया हुआ और पूछ रहा है द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नहीं द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो हमारी जो स्टेट जो सिस्टम है उसकी जो लोवेस्ट एनर्जी है वो हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए ये दिया हुआ है स्पिन 1/2, इसका क्या अर्थ हुआ कि ये है बोस आइंस्टीन, क्योंकि जो हमारे जो तीन स्टेट होती है एक होती है क्लासिकल जिसको हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन शायद, एक तो क्लासिकल उसके बाद फर्मी बोस आइंस्टीन और जो थर्ड है वह फर्मी डिराक। लेकिन जो हमारा बोस आइंस्टीन है वो जो हमारा पाउली एक्स जो पाउली का नियम है उसका फॉलो करता है, और जो पाउली का नियम वो क्या कहता है कि आप एक स्टेट में दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन कितनी होती है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/2। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पाउली के अक्ष की जो पाउली का प्रिंसिपल है उसको फॉलो करेगा, और ये फॉलो करेगा तो एक स्टेट में हम दो इलेक्ट्रॉन एक साथ रख सकते हैं। अब देखिए कि जो हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन दिए हैं नॉन इंटरेक्टिंग उनको हम किस तरह इस जो हमारा पोटेंशियल गिवन है उसके लिए हम जो हमारा 1D बॉस है उसमें किस तरह फिल करेंगे। अब देखिए पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, जो हमारा पोटेंशियल दिया है पोटेंशियल 0 है अक्स से लेकर 0 ए तक 0 है, और यहाँ पर इनफाइनाइट है माइनस इनफाइनाइट ये इनफाइनाइट हो गया। एक्स ग्रेटर देने यहाँ से लिए यहाँ के लिए और ये यहाँ के लिए। अब देखिए हमारा जी होता हुआ होता है 2s+1, यहाँ पर s है स्पिन कि हम एक स्टेट में कितने पार्टिकल रख सकते हैं, तो 2 स्पिन कितनी हमारे पास 1/2+1 मल्टीप्लिसिटी है जी तो 2। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम एक स्टेट में अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और हम जानते हैं कि जो पाउली का प्रिंसिपल है वो भी क्या कहता है कि आप जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन एक साथ रख सकते हो, ये भी यही बता रहा है। ये मल्टीप्लिसिटी क्या है जी इक्वल्स टू 2s+1, यहाँ पर एस स्पिन तो एस स्पिन दी हुई है, यदि नहीं दी हुई होती और कहता वो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम जानते हैं जो हमारी स्पिन होती है वो होती है 1/2। तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी आ गई 2। अब इसका क्या अर्थ हुआ, हमारे पास मान लीजिए ये कोई स्टेट है इसमें हमने दो इलेक्ट्रॉन रख दिए और इसमें तीन, हमारे तीन इलेक्ट्रॉन दिए होते तीन इलेक्ट्रॉन का सिस्टम था तो हमने तीन इलेक्ट्रॉन सजा दिए, इसके लिए n=1 इसके लिए n=2। इसमें हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। अब देखिए इसकी हमें लोवेस्ट एनर्जी निकाल दी, यही हमारी लोवेस्ट एनर्जी है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट जो हमारा ग्राउंड स्टेट है वो एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन यदि यहाँ यहाँ से ये कोई दूसरे स्टेट में चले जाए
तब इनकी एनर्जी है वो जो लोवेस्ट में होके कुछ और हो जाएगी। अब देखिए हमें निकालनी है लोवेस्ट एनर्जी ऑन द सिस्टम, तो इसके लिए जो एनर्जी होती है, अब देखिए एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर। ये है 1D के लिए। यहाँ पर एन है किस स्टेट में है, ए है लेंथ ऑफ जो हमारा पोटेंशियल दिया हुआ है, जो बॉक्स है उसकी साइज क्या है, तो ए। अब देखिए हम इसको किस तरह सजाएंगे, देखिए एनर्जी लोएस्ट एनर्जी पाई स्क्वायर, इस जो हमारे फर्स्ट टेस्ट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, और जो ये एनर्जी होती है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर, ये होती है एक पार्टिकल के लिए, लेकिन हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन एक साथ रख रखे हैं, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा टू से टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर की जगह, एन स्क्वायर की जगह हमारा हो गया वन, क्योंकि ये भी वन है, ये यदि यहीं पे गया था ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो भी यहाँ एन जो हमारा एन है वो जीरो शुरू होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जीरो से, लेकिन यहाँ पर हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो एन है वो स्टार्ट होगा वन से, तो हमारी जो फर्स्ट जो स्टेट है वो है ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू वन के लिए, तो वन टू एम ए स्क्वायर लेंथ जो हमारी फिर तो मतलब जो बॉक्स है या जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो ए का है। उसके बाद हमारे जो सेकेंड स्टेट है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है एक, उसकी एनर्जी कितनी होगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर एन एन की जगह कितनी है टू, तो फोर का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर, तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर फोर प्लस टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर, तो ये आएगा थ्री पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर। ये एनर्जी आ गई लोवेस्ट एनर्जी सिस्टम की, जो लोवेस्ट एनर्जी है वो आ गई। अब देखिए हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है वो कह रहा है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर, ऑप्शन बी कह रहा है टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर, ऑप्शन सी है थ्री पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर, ऑप्शन डी है हमारा फाइव पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स से, तीन क्वेश्चन आए थे 2010 में, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये तो कहा गया कि लोएस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इसमें कहा गया है, लेकिन ये कह देते कि एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम, तब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी होती, ग्राउंड स्टेट के लिए एन इक्वल्स टू कितना लेता है वन, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो, तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये वही यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती, अगली हम नहीं लेते क्योंकि कह दिया कि आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बतानी है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया था लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन शायद जो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं वो आंसर मैच नहीं कह रहा है, अब देखिए क्या होगा आपको उसमें जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज कन्फाइंड इन ए टू डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ साइड ए, हमें कहा गया है कि एक टू डी हमारे पास स्क्वायर पोटेंशियल वेल है जिसकी साइड है ए, ये टू डी में दिया हुआ है जिसकी साइड लेंथ ए है, द आइगन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन ए गिवन स्टेट, जो हमें एनर्जी दी हुई है वो है 25 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर, ये गिवन डाटा है। उसके बाद क्या है द स्टेट इज, आपको डिजनेसी बतानी है कि इस स्टेट की जो डिजनेसी है वो कितनी है। अब देखिए जो हमारी एनर्जी है ये जो हमारे सिस्टम है वो दिया टू डी, टू डी के लिए अब देखिए एनर्जी कितनी होती है, हमारी एनर्जी होती है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर, जहाँ पर ए स्क्वायर है लेंथ जो या जो विड्थ है उधर जो बॉक्स है उसकी, और एन है किस स्टेट के लिए कह रहा है, ये है 1D के लिए, ये है 1D के लिए। अब एनर्जी हमें जो पोटेंशियल दिया वो 2D में, तो पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर,
एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर। अब हमें एनर्जी इतनी आनी चाहिए, इसका अर्थ क्या हुआ? अब देखिए, हमें एन एक्स और एन वाई की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है ताकि यहाँ पर हम 25 बना सकें और यहाँ से नीचे से दो कैंसिल आउट हो। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर कोई 50 आया होगा और हमारा दो नीचे है, तो एक कैंसिल आउट हो गया 25 पाई स्क्वायर एच के स्क्वायर टू एम नहीं एम ए स्क्वायर ये बना है। इसका अर्थ हमें 50 है वो लेके आना। अब इस तरह अब जो हमें स्टेट दी हुई है उसको हम किस तरह सजा सकते हैं? अब देखिए, एन एक्स और एन आई एन वाई की हमें वैल्यू सेलेक्ट करनी है, एन एक्स एन वाई। अब देखिए, हमें एन एक्स और एन वाई की ऐसे क्या क्या वैल्यू रखें ताकि ये इधर 50 बन जाए, यहाँ पर 50 बन जाए और डिवाइड टू होगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, एन एक्स की यदि हम वैल्यू रखते हैं 1, एन वाई की वैल्यू रखते हैं 1, तो कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 25 नहीं मिला। आप इसी तरह देखोगे 2 2 या रख सकते हैं 1 2, तो 1 प्लस 4 5 5 बाई 2 नहीं हुआ। इसी तरह आप रख सकते हो 2 1 5 ये भी नहीं हुआ, 1 3 10 ये भी नहीं हुआ, 3 1 ये भी नहीं हुआ, 4 1 ये भी नहीं हुआ, 16 प्लस 1 17 नहीं हुआ। और इसी तरह आप जब रखोगे 5 एन एक्स की जगह 5 एन वाई की जगह 5, तो देखिए कितना होगा, पाई स्क्वायर एच के स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर 5 25 प्लस 25 15 पाई स्क्वायर एच के स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर, तो 25 एच स्क्वायर पाई स्क्वायर एच के स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर 25 आ गया, यानी कि एक तो ये आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया 5 5 का। अब हमें एन एक्स और एन वाई की वैल्यू इसी तरह ऐसे सेलेक्ट करनी है ताकि यहाँ पर हम अपना 50 बना सकें। अब देखिए, एन वाई की जब एन एक्स की वैल्यू रखते हो आप 1, एन वाई की वैल्यू रखते हो 7, तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 7 का स्क्वायर 49 50, तो 50 पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर पॉइंट टू एम ए स्क्वायर, तो कितना आया 25 पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर पॉइंट एम ए स्क्वायर। यानी कि दो डिजनरेसी तो आ गई हमारे पास, क्योंकि ये स्टेट फर्स्ट ये सेकंड की एनर्जी आ रही है। इसी तरह हम एन एक्स की जगह यदि 7 रख लें और एन वाई की जगह 1 रख लें, तो कितना होगा 7 49 प्लस 1 50 50 डिवाइड बाई 2 25 पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर। तो ये जो ये है डिजनरेसी, तो डिजनरेसी कितनी आई, 3 फोल्ड। देखिए क्वेश्चन जो हमारा इसमें आंसर में दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि जो हमारी द एनर्जी, आप ऑप्शन देख लीजिए क्या, पहले पहले ऑप्शन ए में के कह रहा है कि 4 फोल्ड डिजनरेट है, ऑप्शन बी है 3 फोल्ड डिजनरेट है, ऑप्शन सी है 2 फोल्ड डिजनरेट है, ऑप्शन जो हमारा डी है वो कह रहा है नॉन डिजनरेट है। यानी कि ऐसी कोई यहाँ पर आप वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर सकते जो यहाँ पर डी जनरेट हो, लेकिन हमारे यहाँ पर तो 3 जनरेट आ रहा है। ये ऑप्शन में भी यही कह रहा है कि यहाँ पर उसने एन एक्स और एन वाई की 5 5 ले ली, लेकिन एन एक्स और एन वाई की जब हम 1 7 और 7 1 लेते हैं तो अभी ये 25 आ रहा है। लेकिन अब देखिए यदि ये सही है तो इसका राइट आंसर भी है, लेकिन ये किस हिसाब से इसको बता रहा है अभी वो पता नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन थे IIT JEE 2011 में जो मॉडर्न फिजिक्स से पूछे गए थे वो। होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और अच्छे लगे क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।